नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे का चीला। आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आप इसे नाश्ते में खाते हैं तो आपको लगेगा कि आपका काफ़ी टाइम तक पेट भरा रहेगा और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं है, कुछ अलग सा खाने का मन है, चावल भी खाने का मन नहीं है, तो ऐसे में हम चावल के आटे का चीला बनाकर खा सकते हैं। द्वादशी पे, जैसे कि चावल हर द्वादशी पे बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लगातार चावल खाए जाते हैं तो द्वादशी पे चावल का भोग सोचते हैं कि ना लगाएं, कुछ अलग सा बना दें। तो हम चावल के आटे का चीला भी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चावल के आटे का चीला। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चावल के आटे का चीला बनाने के लिए मैं लूंगी 2 बड़ी कड़छी आटा, वो भी चावल का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जनों के लिए बना रहे हैं, घर में कितने हैं, आप उसी हिसाब से आटा ले। फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसमें डालूंगी कद्दूकस की हुई गाजर, सब्जी आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च या चॉप की हुई, मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया तो ये काफ़ी बारीक हो गई है, वो डालेंगे। फिर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि फिर उसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर डालूंगी 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसके अंदर अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। चावल का आटा किसी किरियाने की दुकान से या किसी भी स्टोर से जहां से राशन मिलता है या आटे की चक्की से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको चावल का आटा नहीं भी मिलता तो चावल तो घर में होते ही हैं, आप चावल को लें। जितने आपको चावल का आटा चाहिए, मान लो 1 कटोरी चाहिए, तो आप 1 कटोरी चावल लें और उसको अच्छे से धो के पंखे के नीचे किसी कपड़े पर सुखा दें छानकर, और थोड़ी देर में उसे मिक्सर जार में डालकर पीस लें। आप देखेंगे कि आटा बहुत ही अच्छा बना है। तो हमें इसका एक ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना, हमें इसका घोल थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होगा। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए, हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पतला कर लेंगे तो तवे पर डालते ही एकदम से फैल जाएगा। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे चावल के आटे का चीला। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए चावल का आटा भी थोड़ा सा फूल गया है। तो अब हम इसके चीले बनाने शुरू करते हैं। गैस ऑन करके तवा रखेंगे। तवा मैंने नॉनस्टिक लिया है, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, डोसा बनाने वाला तवा ले सकते हैं या जिसमें हम रोटी बनाते हैं तो आप उस पर अगर बनाएं तो पहले उस पर 1-2 पराठे बना लें लोहे के तवे पर। अगर डायरेक्ट आप उस पर बनाएंगे तो डोसा भी बनाते हैं, चावल के आटे का चीला या बेसन का चीला जो भी हम बनाते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है। तो उस पर पहले आप लोहे के तवे पर 1-2 पराठे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चावल के चीले या कोई भी चीला बनाने के लिए वो बड़ी आसानी से उतर जाएगा। तो तवा गर्म हो गया है, इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल क्योंकि ये नॉनस्टिक तवा है, इसको मैं कर दूंगी साफ। फिर मैं इस पर डालूंगी चावल का घोल जो बनाया है अभी, और इसे हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ तेल डालेंगे इससे कि ये जो चीला है थोड़ा सा क्रिस्पी बने और खाने में अच्छा लगे, कि सूखा सूखा सा ना लगे। ये देखिए जो चीला है नीचे से सिक गया है, क्योंकि ये देखिए ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया, तो समझो ये सिक गया है। तो इसको हम पलट देंगे, ये देखिए कितना अच्छा बना है। आप चाहो तो, मैंने पहले ही बताया कि प्याज भी डाल सकते हो, प्याज डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 2-3 आपने बना लिए, अगर आपने भोग लगाना है चावल के आटे के चीले का ठाकुर जी को द्वादशी पर, या किसी भी दिन बनाकर उन्हें खिलाना है तो पहले 2-3 ठाकुर जी के लिए बना दें, फिर आप इसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये चीला अच्छे से सिक गया है, इसे उतार लेंगे और बाकी के सारे भी हम ऐसे ही बनाएंगे।
तो चावल के आटे का चीला मैंने बना दिया है, आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जब भी कुछ खाने का मन नहीं है तो इसे झटपट बनाकर खाया जा सकता है। और द्वादशी पर भी आप इसका भोग लगा सकते हैं, अगर आपको अपने घर में खाना है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना, तो आप इसके अंदर प्याज डालकर भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में देते रहें कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, क्योंकि एक बार में एक ही वीडियो बन पाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कहे अनुसार सब वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा।